हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फुल डे रूटीन, जो बिल्कुल हेल्दी होने वाली है और बिल्कुल आपकी टाइम भी बचाएगी। तो इसके लिए मैं सुबह से शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट के लिए आप कभी कभी ऐसे कर सकते हो, मैं कभी कभी हमेशा नहीं करती हुई है, तो फ्रूट्स ले लेना है। फ्रूट्स से अगर सुबह शुरुआत हो जाएगी तो और क्या चाहिए। तो फ्रूट्स को ऐसे हम बहुत टाइम लग जाएगी सारे फ्रूट्स को खाना, तो ऐसे आपकी बारीकी से काट लेना। मैंने ये जो डाल रही हूँ ये हल्दी है, कच्चा हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैं स्किन की ध्यान रखते हुए मैं आपको बता रही हूँ आज की ये जो हमारी जो मेरी रूटीन है। तो इस पे मैंने एप्पल लिया है, बीटरूट लिया है, गाजर लिया है, और बीटरूट की जो कलर है वो देखिए, और इसमें केला भी है और छोटा सा अदरक था, और अभी मैंने डाल दिया है दूध। तो देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है, और ये जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग खा सकते, बहुत अच्छी है। और आप जॉब पे जा रहे हो, स्कूल पे जा रहे हो, तो ये इसे खा लो और चले जाओ। बस आप 1 बजे तक कुछ ना खाओ भी तो भी चलेगी। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सारे सब कुछ है, तो इसे धूप में बैठ के खाने की मजा ही कुछ अलग है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश मिला दिया, आप और भी जैसे काजू, बादाम जो भी है मिला सकते हो। तो बस इसे खा लो ना, और इससे आपकी स्किन की बहुत अच्छी होगी, इससे शरीर की भी खून की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बीट रूट है, हल्दी दिया है, हल्दी से स्किन अच्छी होगी। बनाना तो आपको पता ही है, बनाना में कितना गुण होते हैं उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारी गुण है। तो उसके बाद अभी मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, बस धूप है, धूप में ठंडे में क्या खाए। तो कूल जो विंटर में होती है और बहुत ही मज़ा, देखते ही पानी आ जाती है मुँह पे, आपकी भी पानी आ रही है ना। तो बस इसे धूप में बैठ के थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक मत खाइएगा नहीं तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कूल के साथ चलती है, विंटर में बहुत मज़ेदार होती है। तो बस मैंने ले लिया है पे कूल यानी बगरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं गूगल सर्च करके दे दूँगी। और मैंने ले लिया है कच्चा मिर्ची, तो इससे जो धूप में बैठ के खाने का मज़ा है ना विंटर में, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे करते करते मेरी लंच की समय हो गई है। लंच में मेरी आज बहुत सारी सब्जी बनाई है मम्मी ने, और मैंने बस सलाद बनाई है और ऑमलेट बनाया है। तो देखिए मेरी ये दाल है, ऑमलेट है, सलाद है। सलाद हमेशा रखिएगा अपनी जो लंच है उसमें, सलाद रखना ही चाहिए, बहुत अच्छी है। कच्चा सब्जी हम जितना खाएंगे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं सलाद को बहुत फॉलो करती हूँ। ऑमलेट है और केबेज की सब्जी, और एक गाजर और जो स्वीट पोटैटो है उसकी सब्जी है। तो बस मेरी जो लंच है वो भी आप अच्छे से लंच करें, ऐसा नहीं कि डाइटिंग के चक्कर में लोग आजकल खाना बहुत नहीं खाते, कम खाते, ऐसा मत करिएगा। इस मेरे भी ज़्यादा देखिए, मैं हेल्दी, मुझे पसंद है हेल्दी रहिए तो हमेशा आपकी कोई भी बीमारी नहीं होगी। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते, खाना बिल्कुल नहीं खाते, ऐसा नहीं करना। अच्छे से योगा करिए तो आपकी जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, और शरीर मोटापा भी नहीं होगी। योगा करिए और खाने पीने में भी ध्यान रखिए, तो खाने पीने में भी टाइम पे करना चाहिए। उसके बाद मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, बस शाम को मैं मिल्क पीती हूँ, और कभी कभी अगर मन करे तो बिस्किट या फिर शाम की कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन आज सिंपल राइस। मिल्क हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपको पता ही है। और इसकी जो मलाई है उसको भी आप थोड़ा गर्म कर लो जब, और मलाई बन जाए उसे आप चेहरे पर भी लगा सकते हो। शाम को और रात को जैसे कि डिनर हमें सिंपल ही करना चाहिए, उतने ही हमारी अच्छी है, क्योंकि रात को हम खाते और सीधा सो जाते तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। जितने हो सके हमें सुबह में थोड़ा हेवीली खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरे हमारे दिन भर भागदौड़ होती है, तो जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस हेल्दी रूटीन को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।